हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ जी सर, हरी मनोज था। हाँ जीडीएस खबर से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, गुड नाइट सर। हाँ नवल किशोर नाम है। नवल किशोर जी, थैंक यू सबसे पहले तो आपको कि जो आप अपने चैनल के माध्यम से जो मैसेज पास आउट करते हो सर, जो सूचनाएं देते हो, हाँ उसके लिए ना सर, स्थान पर मंडल के जी डी एस सबकी तरफ से मैं पहले से आपको थैंक यू बोलूंगा इसके लिए। ठीक। ठीक है सर, आगे आप तो अब क्या पूछना चाहिए चाह रहे थे, आप बताइए मुझे। जो राजस्थान सर्किल में जो JDS 2 पोस्टमैन और जो PA का जो रिजल्ट है हाँ जी हाँ जी 2019 वाला, जो जिसमें कैट का फैसला भी फेवर में आया है कैंडिडेट के, जी जी उसके बाद भी जिस प्रकार से विभाग की तरफ से जो रवैया मतलब अपनाया जा रहा है, जी जी और जो कैट की टीम टीम की तरफ से इसके इसके संदर्भ में क्या फैसला लिया गया है, वो सारी डिटेल जो चैनल के व्यूवर है वो जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप बिल्कुल। डिटेल में बताइए। देख देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा सभी को पता है, जो एग्जामिनेशन हुई थी 15 सितंबर 2019 एंड 29 सितंबर 2019, जीडीएस टू पोस्टमैन दोनों एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर 2019 में, और सारे सभी सर्कलों में हुई थी। अप्रोक्सीमेट 23 सर्कल है इंडिया के अंदर, और सभी जगह एग्जाम हुई थी, सेम पेपर आया था और सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी। सभी बिल्कुल जगह परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, नियुक्तियां दी गई। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान के अंदर जो अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, जिनका तानाशाह रवैया उस समय भी चला था, उन्होंने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इस भर्ती परीक्षा को 3 अप्रैल 2020 को रद्द करने का इन्होंने आदेश जारी किया। तब भी हम मिले थे, तब भी हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसके खिलाफ राजस्थान के अप्रोक्सीमेट 215-250 कैंडिडेट्स ने मिलके और कैट में एक याचिका दायर की, ठीक दोनों केसों के लिए अलग अलग याचिका दायर की, और कैट ने, माननीय कैट ने अच्छे से मामले को सुना और 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को क्रम से JDS2 पोस्टमैन, JDS2 PA दोनों केसेस के जो फैसले थे वो अपने JDS के पक्ष में सुनाए, और विभाग को आदेश दिया कि इमीडिएट इफेक्ट से इनको नियुक्ति दी जाए। 17 दिसंबर 18 दिसंबर के बाद आज लगभग 15 दिसंबर, आज 15 दिसंबर है तारीख, और में विभाग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इस संदर्भ में। CPMG मैडम से मिले भी थे हम, हमारा डेलीगेशन मिला था BMS पदाधिकारियों को लेके। अच्छा मैडम ने उस समय आश्वासन दिया था कि हम जो भी फैसला लेंगे इसमें लेंगे, और आपके साथ जो भी गलत हुआ उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टेड से हैं, जो डायरेक्टेड निर्देश लेगा या डायरेक्टेड हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद हमारी कैट टीम के जो मेंबर थे, हम दिल्ली गए DGE ऑफिस 29 दिसंबर को। ठीक है। माँ भारतीय मजदूर संघ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं श्रीमान संतोष कुमार सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम DG साहब से मिले, श्रीमान विनीत पांडे जी से। तो वहां पे भी आश्वासन हमें ये मिला कि आपका जल्दी से हम इम्प्लीमेशन करा देंगे। हम अच्छा वापसी आए, वापस फिर CPMG मैडम से मिले, तो मैडम का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था, और मैडम ने कहा कि भाई हम जो फैसला लेंगे विभाग के इसमें फैसला लेंगे। अच्छा तो हमारा मैडम से प्रश्न ये था कि मैडम विभाग के इतना फैसला आप लोगे, विभाग आपका है, कर्मचारी किसके हैं, ये ग्रामीण डाक सेवक किसके हैं, GDS किसके हैं, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टिका हुआ है। सही। देयर आर 1,75,000 ग्रामीण डाक सेवक इन ऑल ओवर इंडिया। तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी हमने वेट किया कि शायद मैडम कुछ सोचेंगे। उसके बाद अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले मैडम से वापसी, हमारा एक डेलीगेशन मिला मालीराम स्वामी के नेतृत्व में, और मैडम से फिर पूछा, तो मैडम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अच्छा ये फैसला जहां तक मैं समझता हूँ कि मैडम का पता नहीं कौन सा रवैया है, जबकि एक मैटर और भी गया था कैट के अंदर, पोस्टल असिस्टेंट कैडर से IPO एग्जामिनेशन हुई थी, वो मामला भी कैट था। हाँ और जब कैट ने वो फैसला सुनाया, सुबह आई थिंक फैसला आया था, और शाम को टेलीफोनिकली आदेश हुए थे और सबको ज्वाइनिंग कराया गया। मैडम से इस मामले में भी पूछा गया कि मैडम जब आपने IPO कैडर के लिए ज्वाइनिंग दे दी, तो ये GDS पोस्टमैन MTS को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे। तो मैडम का कहना था कि वो मामला अलग था, बट अच्छा हमारा एक्चुअली पूछना ये मामला कुछ भी था बट था तो कैट में, उसके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपील क्यों नहीं करी। सही है। तो ये सारी प्रक्रिया, ये विभाग का एक दोगला रवैया है, जो मतलब आप जो विभाग है राजस्थान परमंडल के, हमारी मैडम है, तो
ये क्या है, इनकी जो बेईमान जो अधिकारी थे, जो उन्होंने कुछ किया आपसी उनके मतभेद की वजह से, जीडीएस का और इन सबका करियर इन्होंने दांव पे लगाया, तो इन उन बेईमान अधिकारियों को बचाना चाह रहे हैं सबके सब, और उनको बचाने के चक्कर में इन्होंने ये फैसला लिया कि हम हाईकोर्ट अपील करेंगे। हाईकोर्ट का तो सर आपको भी प्रोसीजर पता है, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इनकी क्या गलती है, जीडीएस की क्या गलती है कि चार चार एग्जाम दे रहे हैं। आज कितनी एग्जामिनेशन हो गई, 15 जुलाई को एग्जाम हुई थी, 15 जुलाई 2019 को एग्जाम हुई थी जो भाषा के आधार पर पूरे भारत में रद्द की गई, फिर 15 सितंबर को हुई, 29 सितंबर को हुई, 11 अक्टूबर को GDS-2 MTS एग्जाम हुई, फिर अब के आदेश के बावजूद ने एग्जाम ली, 10 जनवरी को GDS-2 पोस्टमैन की इन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए फिर से एग्जाम ली। तो सर ये सारी चीजें के बाद हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मीन्स इनसे जो प्यार से शिष्टाचार से हम बात कर सकते वो हम कर चुके। दिल्ली से हमें आश्वासन मिला, दिल्ली वालों ने भी कहा कि भाई हम करना है, तो इन्होंने दिल्ली वालों की भी मानी, डीजी साहब के आदेशों की भी इन्होंने अवहेलना की, लेकिन इनको आदेश आश्वासन नहीं दिया था, बट उन्होंने कहा था। और उसके बावजूद सर हमने सभी ने यही निर्णय लिया कि हम घेराव करेंगे सर्कल ऑफिस का, और इसी बिल्कुल इससे बिल्कुल दुखी हो गया मैं, इतना क्षुब्ध हूँ इस विभाग के इस रवैये से कि मुझे अंतिम निर्णय लेना पड़ा कि भाई मैं सर्कल ऑफिस के सामने पर ये है कि मैं आत्मदाह करूंगा, इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रखा। सभी यूनियन से भी पहले हमारा यही कहना था कि भाई आप हमारा साथ दो, आज हमारे गांव में आपके अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के हैं SS माधुरिया जी, उन्होंने कभी राजस्थान के आज तक कभी कुछ नहीं लिखा, उनको अभी भी कहा था तो बोला ठीक है मैं बोलूंगा बोलूंगा, बाकी आज तक उनका कोई लेटर हमारे CPM जी को या DG साहब को या सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट को कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए है सर। तो ये जो स्थिति आई है आज ग्रामीण डाक सेवक जो इकट्ठा होने के लिए है, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है। इस संदर्भ में मैंने इसको ये जो सारा पूरा मैटर था, मैंने माननीय रविशंकर प्रसाद जी केंद्र भारत सरकार इनको लिखे, इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, मैं ठीक है श्रीमान जी के द्वारा, वहां पे भी वो बिल्कुल साइलेंट है, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा स्टडी बना करेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ या वासी या अकेले हैं, सारे GDS की तरफ से हूँ मैं और सारे GDS ही आएंगे वहाँ पे। अच्छा, तो परिमंडल कार्यालय उसके सामने जो आप कार्यक्रम कब से स्टार्ट होने वाला है आपका? सर ये अपना सोमवार से 18 जनवरी से। 18 जनवरी से जी। तो इसमें जैसे आपको BMS का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके अलावा GDS की बहुत सारी यूनियन है, उनकी तरफ से कोई सी यूनियन आ गया ही है आपके इस फैसले मतलब नहीं के? सर अभी अभी संघ के अलावा कोई यूनियन आगे आई नहीं है। सुबह संतोष जी का भी फोन आ गया था दिल्ली से, उन्होंने कहा है कि मैं मतलब निर्देशित करेंगे, वो जो BMS के पदाधिकारी हैं राजस्थान के अंदर उनको बोलेंगे, बाकी अभी तक उनके अलावा अभी तो कोई यूनियन सामने ऐसी आई नहीं, क्योंकि बाकी चंदा लेने के टाइम पर सारी यूनियन आगे आ जाती है, चंदा लेने के टाइम पे सारी यूनियन आगे आ जाती है। आज GDS के हित की बात आई है, हित की बात आई है, तो आज कोई आगे नहीं आ रहा, हमें अपने तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है। सर इसी की सोची है कि जो GDS को मानदेय मिल रहा है, सभी को पता होता है GDS को क्या मानदेय मिला, इनको आज तक सर्जेंट का दर्जा नहीं मिला, तो या तो हमें हम जो फैसले नहीं, तो जो भी हो इनके सामने हो। सही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे ग्रामीण डाक सेवक राजस्थान के जितने भी हैं सबसे अपील करूंगा कि अपने हकी की लड़ाई है, इसमें आगे आओ, क्योंकि अगर आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना सर, तो ये जिंदगी भर ग्रामीण डाक सेवक को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये विभाग का तानाशाह भैया, ये अपने अधिकारियों को बचाते रहेंगे और निचले स्तर के जितने भी ग्रामीण डाक सेवक है कर्मचारी है इनका शोषण होता रहेगा। सर देखो कार्यक्रम क्या है, मैं तो एक्चुअली आपका जो चैनल है उसके माध्यम से यही संदेश मेरा है सबको कि जो भी करें सोच समझ के करें और ये अपने हक की लड़ाई है, क्योंकि कुछ लोगों को चिंता ये है कि सर हमारा ये हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा कि आपका अधिकार आपको अभी तक नहीं दिया गया, आपके पक्ष में जो माननीय कैटने न्यायालय जो निर्णय सुनाया वो अब तक आपको नहीं दिया गया, आपको आज तक सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया, आपको आज तक आज इंडिया आज ग्रामीण डाक सेवक से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर प्रतिनियुक्ति पर टेरिटरी ऑफिसर लगे हुए हैं और इंडिया में उनको 1,27,000 रुपए के मानदेय पर सबमिट कर रखा हुआ है, वहां उनको ना तो DA मिलता है, ना उनको कभी बोनस मिलता है, ना कभी कोई स्वास्थ्य के मेडिकल लाभ मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता उनको। तो ये मतलब अंतिम मौका है, जाओ अपने लक्ष्य के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि
एक कहावत है या कैसे मान लो कि जो आज तक अपने हक के लिए नहीं लड़ा ना श्रीमान, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है बिल्कुल सही बात है। ना। तो मेरी तो यही है, सबसे राजस्थान परिमंडल के जितने भी जीडीएस हैं या पूरे भारतवर्ष में जो भी ग्रामीण डाक है, कि हमारा जो है इसमें आप हमारा साथ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां पे आ पाओ, राजस्थान परमंडल के तो सारे जीडीएस से मैं ये अपील करूंगा कि आप सभी पहुंचे, बाकी बाहर से हैं वो सारे ट्वीट करें। मैं इवन मैं ट्वीट कर चुका हूँ माननीय राष्ट्रपति जी, पीएमओ को, इंडिया पोस्ट, सारे न्यूज चैनल्स को, मैं मेरे जो था लेटर में दे चुका हूँ उनको, और वहां से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सारा वो सब सब चुप्पी साधे हुए हैं, इन्हें कहीं किसी भी कर्मचारी से कोई मतलब नहीं है अच्छा श्रीमान। तो आप अपने स्तर से जो है आप ये सूचना दे रहे हैं।